हाय गाइस, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और वो लाइन ऐसे होगा कि एल राहुल और हार्दिक पांड्या ने मचाया बवाल। तो आप सोच रहे होंगे क्या, चलिए बात करते हैं इस बारे में। तो के एल राहुल और हार्दिक पांड्या रिसेंटली गए कॉफ़ी विद करण में। प्रीवियसली रिकॉर्डेड है, अगर अभी का होता तो शायद नहीं जाते, क्योंकि के एल राहुल जिस फॉर्म में चल रहे हैं वो शायद ही जाते, लेकिन उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। अब चलिए उस बारे में बात करते हैं। तो कॉफ़ी विद करण जनरली सेलिब्रिटीज़ के लिए जाने जाता है। सेलिब्रिटीज़ जाते हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं। आज तक कोई क्रिकेटर्स या कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं गए कॉफ़ी विद करण में। तो ये पहली बार है जहाँ पे केएल राहुल और हार्दिक पांड्या गए थे, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था उनसे उनसे कि वो बहुत अच्छा बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बात करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या बात किया, बहुत ही दुख की बात है भाइयों। चलिए बात करते हैं क्या बात किया। सो वो 8 स्टेटमेंट उन्होंने दिया है दोनों ने मिल के, जो पूरा बवाल मचा के रखा है। और पहले तो ट्विटर पे उनको बहुत ही गाली पड़ी है, उसके बाद अभी बीसीसीआई भी उन पर चढ़ने वाला है। तो पहला स्टेटमेंट जो हार्दिक पांड्या ने दिया लड़कियों के बारे में, कि क्या मैं थोड़ा स्वाग मेरा थोड़ा है, मैं थोड़ा वेस्ट इंडीज़ वाला स्टाइल है, तो मैं देखता हूँ कि वो कैसे मूव करते हैं, उनको इमेजिन करता हूँ वो कैसे मूव करते हैं। आप सोच सकते हैं, बहुत ही ख़राब स्टेटमेंट है। आप एक यू नो नेशनल प्राइड हो, आप देश के लिए खेलते हो, आपका करियर का शुरुआत ही है। आप अगर ऐसे बात करोगे तो आपके फॉलोअर्स यंगस्टर्स क्या सीखेंगे आपसे, बहुत ही दुख की बात है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट पे जाते हैं जो केएल राहुल ने दिया। उनके मम्मी ने एक बार उनके घर में कॉन्डोम देखा, उनके रूम में उनको मिला, तो बहुत ही गुस्सा हुई और उनके डैड को जाके बोली, और डैड से उनको जम के डांट पड़ी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि केएल ने बोला कि उनके डैड रात को उनके रूम में आए और उनको बोले कि अच्छा हुआ कि तुम प्रोटेक्शन यूज़ करते हो, बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि ये अच्छी बात है, लेकिन ये स्टेटमेंट सुनने को अच्छा नहीं लगता है टीवी पे एक यू नो एक सेलिब एक क्रिकेटर से जो कि मतलब अपने अपने करियर बना रहा है। चलिए चलते हैं तीसरे स्टेटमेंट पे। तो तीसरा स्टेटमेंट बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। हार्दिक जो कि उनके फैमिली को उन्होंने ऑन द लाइन डाला है, उन्होंने बोला कि मैंने अपना वर्जिनिटी जब लूज़ किया, मैं घर में आके बोला कि मैं करके आया हूँ, और घर में खुश हुए। बहुत ही ख़राब बात है भाइयों, आपने अपना तो इज्जत गंवाया और अपने घर के बारे में भी बोला। करण का रिएक्शन भी आपने दिखाया कि ये डिफरेंट कुछ डिफरेंट ही फैमिली है, तो थोड़ा अजीब सा था। शायद ये लोग भूल गए थे कि वो क्रिकेटिंग फील्ड से हैं, या फिर स्विच ऑन स्विच ऑफ की बात करते हैं, कुछ ज़्यादा ही स्विच ऑफ कर दिया शायद। चलिए अपने चौथे स्टेटमेंट पे जाते हैं। हार्दिक पांड्या अपने घर में अपने पेरेंट्स फैमिली को बोलते हैं कि जो गर्ल्स कोई पार्टी में गए थे शायद, और किन किन गर्ल्स को डेट किया है वो बोल रहे थे, तो घर में पूछे कि उनके इनमें से कौन है, तो वो बोलते हैं कि ये है ये है ये है ये है। तो उनको शायद पूछा गया स्पेसिफिकली कि तेरी वाली कौन है, तो बोलते हैं यही यही ये है, सबके साथ मेरा कुछ कुछ था। तो मतलब सोचिए, आप ही सोचिए आप क्या बोल सकते हैं इस पर। पांचवा वाला स्टेटमेंट आता है चीयर लीडर्स के ऊपर, कि करण जौहर पूछे कि केएल राहुल को पूछे थे कि क्या चीयर लीडर्स को देख के, दोनों को शायद पूछे थे कि चीयर लीडर्स को देख के आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो केएल बोलते हैं कि पहले मैं होता था, अभी नहीं होता हूँ। लेकिन और हार्दिक को पूछा जाता है कि नहीं, वो कभी नहीं होते, क्योंकि उनका तो सबके साथ मतलब कुछ है, उनके साथ उनका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या है इसका मतलब। बहुत ही ख़राब बात है, और कितना नीचे जाके बात करेंगे आप लोग, वो भी वुमेन के बारे में बात करते हैं इंडिया में, इतना कुछ चल रहा है, समझ लीजिए आप क्या क्या कहना है। फिर छठा वाला स्टेटमेंट, वो जो केएल राहुल का तो इमेज ऐसा है कि बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, लेकिन बहुत सारे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं।
इस टाइप का है उनका, तो बोलते हैं कि हार्दिक को थोड़ा इंग्लिश तो ठीक से लिखना नहीं आता है, 9th फेल है, सॉरी 9th पास है शायद, 10th तक नहीं गए हैं, और वो है केएल से हेल्प मांगते हैं, तो वो वही टेक्स्ट केएल जो भेजते हैं वो कॉपी पेस्ट मारते हैं, और बहुत सारी लड़कियां उनको वो फॉरवर्ड करते हैं केएल, क्योंकि देखो हार्दिक ने भी वही भेजा, वो वही भेजा है मुझे, तो इसका रिस्पॉन्स में उसमें उसमें उसने उस उन्होंने बोला कि मेरा तो वही फीलिंग है उनके लिए, इसलिए मैंने भेजा उनको। क्या पता नहीं इनको क्या हो गया था। सातवां वाला स्टेटमेंट जो कि अभी लाइमलाइट में नहीं आ रहा है ज़्यादा, बिकॉज ऑफ बाकी 7 स्टेटमेंट जो दिए हैं, जो कि बोले कोहली और विराट और सचिन में कौन अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा बैट्समैन है, तो उन्होंने बोला कि विराट अच्छा बैट्समैन है मेरे हिसाब से, या आप पकड़ लो करोड़ों हिंदुस्तानियों के हिसाब से, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। कोहली का एरा अलग था, सचिन अलग है, सचिन का एरा अलग था, तो यू कैन नॉट कंपेयर देम, आई एम सो सॉरी द थॉट दैट वे, बट शायद ये ज़्यादा इतना हाइप नहीं होगा, क्योंकि ये अपना अपना थॉट प्रोसेस है, अनलेस कि आप किसी को डीफेम या किसी को लड़कियों के बारे में बात करूँ जो कि उन लोगों ने किया है। और आठवां वाला स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही गंदा वाला था, कि करण ने पूछा कि वार्डरोब में सबसे एम्बेरसिंग चीज़ क्या आपका होता है, तो वो बोले कि मैं लूब होता है, लूब मतलब आप समझ सकते हैं लुब्रिकेंट, क्या बोले इस बारे में। तो ये 8 स्टेटमेंट दे के ये दोनों फंस गए हैं क्रिकेट में, तो अभी 2-2.5 साल ही खेले हैं और बहुत कुछ करियर में करना बाकी है, लेकिन ये स्टेटमेंट देखे ये लोग अभी फंस गए हैं, तो देखते हैं कि बीसीसीआई क्या एक्शन लेती है उन पर। जितना सुनने में आ रहा है कि शायद 2 मैच का बैन हो सकता है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि किसके परमिशन लेके वो गए हैं, यू आर ऑन नेशनल ड्यूटी मैन, यू कैंट गो एंड टॉक शिट अबाउट अदर्स, अबाउट वुमेन इन पर्टिकुलर, तो देखते हैं क्या होता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप भी बताइए। थैंक यू वेरी मच गाइस।